मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान वैसे तो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, मगर इसके बावजूद मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर पॉकेट मार मोबाइल चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आरपीएफ के जवानों ने अब तक कई ऐसे पॉकेट मार चैन स्नैचिंग मोबाइल चोरी करने वाले दर्जनों चोरों को पकड़ा है और उन पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इसी तरह एक चोर मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का पर्स चोरी कर भाग रहा था, मगर आरपीएफ के जवान कांस्टेबल मनोज पांडे और जीआरपी ने एम गेट के पास से इस पॉकेट मार को पकड़ लिया है। ये पॉकेट मार मुंब्रा के अमृत नगर दगड़े चौल का रहने वाला है, जिसका नाम अदनान इब्राहिम मंसूरी 18 वर्षीय है। आरोपी अदनान ने ट्रेन में एक यात्री का पर्स चोरी कर उतर गया और भागने लगा, जिसके बाद यात्री भी उसके पीछे दौड़ा और शोर सुनकर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने एम गेट के पास इस चोर को पकड़ लिया। फरियादी का नाम रामजीत जमुना चौहान 33 वर्षीय है, जो गांव देवी शिव शक्ति चाल का रहने वाला है और इसके पर्स में 2110 रुपए थे। फिलहाल आरोपी अदनान इब्राहिम मंसूरी को गिरफ्तार कर उस पर 389 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 11 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जब तैनात था, तो उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक सीएसटी स्लो लोकल आती है, उसमें से एक आउटसाइडर एक पैसेंजर्स का पर्स निकाल के तेजी से भागता है, जिस पर उसके चोर चोर चिल्लाने से हमारा स्टाफ एक्टिव हुआ और जेआरपी स्टाफ की मदद से उसको प्लेटफॉर्म के आउटसाइड में एम गेट के पास से चेस कर दौड़ा कर उसको पकड़ा। कितना पैसा था पर्स में? पर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपये थे। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम अदनान इब्राहिम मंसूरी, एज अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स, अमृत नगर मुंब्रा का रहने वाला था, जबकि जो फरियादी था वो रामजीत जमनालाल चौहान, एज अप्रॉक्सीमेटली 33 ईयर्स, गांव देवी मुंब्रा का ही रहने वाला था। आरोपी पे क्या मामला दर्ज किया गया? आरोपी पे 379 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।